सावन के दूसरे सोमवार पर बना है यह अनोखा संयोग। श्रद्धालु पाएंगे दोहरा लाभ, सभी भक्तों की हर एक मनोकामना होगी पूरी, साथ में महाद्वीप का मिलेगा असीम आशीर्वाद। मित्रों में सौगंध खाता हूँ कि महादेव से मांगी हुई हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना। मित्रों को इस वीडियो को पूरा ही देखना। माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महादेव की इस वीडियो को अगर आप सावन की महीने में पूरा देख लेती हूं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको जो सावन का दूसरा सोमवार होता है इसके बारे में हमने आपको बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर आप सावन की पहले सोमवार के दिन जो भाई बहन होते हैं हमारे, उन्होंने कुछ ऐसी उपाय नहीं कर पाए थे जो आपको करने के लिए बताए गए थे, वह सावन के दूसरे सोमवार पर कर सकती है, क्योंकि मित्रों एक ऐसा संयोग बना है कुछ ग्रह अब महादेव की अधीन हो गए हैं और माना जाता है कि वह ग्रह महादेव के अधीन हो जाते हैं तो सभी मनोकामनाएं इच्छाएं हर एक व्यक्ति की, हर एक माता बहन की अवश्य ही पूरी हो जाती है। इसलिए हम आपको बता दें कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ने जा रहा है और उसे दिन आपको कौन सी उपाय कर लेनी है, जो हर एक माता बहन को जरूर ही कर लेना है, क्योंकि सावन का महीना बेहद खास और दुर्लभ माना जाता है। मित्रों पर उसके लिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। मित्रों आपको हम बता दे कि आप चलिए आपको हम सभी जानकारी को बारी बारी से बताएंगे, पर उसके लिए आपको का महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा और महादेव की सच्ची भक्ति वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और साथ में हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं कि सावन का दूसरा सोमवार कितनी तारीख को पड़ने जा रहा है और उसे दिन हमें कौन सा ऐसा एक उपाय कर लेना है जिससे जन्म जन्मांतर की हमारी गरीबी या फिर जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वह एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। और शिवलिंग से आपको ऐसी कौन सी एक चीज ले आना है अपने घर पर जिससे कि आपकी हर एक संकट आपके घर से चला जाएगा। कोई भी वादा हो, कोई भी प्रेत बाधा हो या आपका कार्य बहुत समय से अटका हुआ है वह पूरा नहीं हो रहा है तो वह एक दिन में ही महादेव की कृपा से पूरा हो जाएगा। चलिए मृत्यु, हम आपको बता दे कि इस बार जो सावन का दूसरा सोमवार है वह 29 जुलाई यानी सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार बहुत ही शुभ रहने वाला है। सावन का दूसरा सोमवार श्रद्धालुओं को दोहरा लाभ दिलाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शिवरात्रि की पूजा जितना लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं सावन का दूसरा सोमवार शिव भक्तों के लिए खास क्यों रहने वाला है। सावन का दूसरा सोमवार 30 जुलाई को है। सावन के महीने में शिवजी की पूजा और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में अभिषेक करना अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी मानी गई है। यही वजह है कि इस महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन गंगा से जल लाकर शिवजी का अभिषेक करते हैं। सावन की शिवरात्रि यानी सावन कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिवजी का अभिषेक और भी उत्तम माना गया है, लेकिन अब की बार ऐसा संयोग बना है कि सावन शिवरात्रि से एक दिन पहले शिवजी की पूजा करेंगे तो यह शिवरात्रि के समान भी शुभ होगा और दोहरा लाभ दिलाएगा। आइए जाने सावन का दूसरा सोमवार क्यों है सभी शिव भक्तों के लिए बेहद खास शुभ योग में। सावन का दूसरा सोमवार, सावन के दूसरे सोमवार के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग उपस्थित रहेगा। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभावी रहेगा। इस शुभ योग में शिवजी का अभिषेक और पूजन करना बेहद शुभ फलदायी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में जो भी शुभ काम शुरू किया जाता है वह काम सफल और मंगलकारी होता है। सावन के दूसरे सोमवार पर रुद्राभिषेक, सावन का दूसरा सोमवार कई शुभ योग लेकर आया है, इसमें ध्रुव योग भी शामिल है। ध्रुव योग सुबह से लेकर 3:03 तक रहेगा। इस शुभ योग में रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ होगा। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जिसके स्वामी मंगल है।
ऐसे में रुद्राभिषेक और शिव उपासना करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है उन्हें शिव संग शिव परिवार का अभिषेक करना चाहिए, इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होगा और पारिवारिक जीवन में प्रेम और सद्भाव का विकास होगा। और इस दिन कुछ ऐसी कार्य है जो आपको जरूर ही कर लेनी है, जो कि आपको दिन के टाइम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी उपाय है जो आपको रात की समय करनी है, पर पहले हम वह आपको उपाय बताएंगे जो आपको सुबह उठकर सावन के सोमवार के दिन आपको इन उपायों को जरूर ही कर लेना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दे। चलिए जान लेते हैं कौन से वह उपाय हैं जो आपको सावन सोमवार के दूसरे दिन जरूर ही कर लेनी है, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो, साथ में महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। चलिए जान लेते हैं, अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं, इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं, फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके धंधाने के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित आपकी परेशानी का हल जल्द ही निकलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी और आपके काम बनेंगे। अगर आप अपने जीवन में संतान का सुख पाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में संतान का सुख जल्द ही मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, मुमकिन कोशिशों के बाद भी बिजनेस का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस की गिरती साख फिर से उठने लगेगी और आपकी कोशिशें सफल होंगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां का अंबार लगते देर नहीं लगेगी। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। ऐसा करने से आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी और आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर शादी के रिश्ते को लेकर आपके मन में कुछ उहापोह बनी हुई है या कुछ उलझन बनी हुई है, तो उससे बाहर निकलने के लिए इस दिन आपको दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपनी उलझनों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके मन से शादी के रिश्ते को लेकर उलझने जल्द ही दूर होंगी। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए।
अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रेम रस से भर देना चाहते हैं, अपने आप को प्रेम के रंग में सराबोर कर देना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस की धारा डालनी चाहिए, साथ ही एक सफेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन प्रेम रस से भरा रहेगा, आप प्रेम के रंग में सराबोर नजर आएंगे। अगर सफलता के क्षेत्र में आपके कदम कुछ पीछे रह गए हैं, तो अपने कदमों को सफलता तक पहुंचाने के लिए इस दिन आपको शिव मंदिर में पानी का स्रोत स्थापित करना चाहिए। आपने शिव मंदिरों में प्रायः देखा होगा कि शिवलिंग से कुछ ऊंचाई पर जल का एक स्रोत स्थापित होता है, जिससे धीरे धीरे करके जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। ये विशेष उपाय करने से आपके कदमों को सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं कि जो सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है, उसे दिन रात के समय आपको कौन सा उपाय कर लेना है, जिससे कि बहुत ही चमत्कारिक और वह लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति महादेव का उसे उपाय को कर लेता है, उसकी जीवन से गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होती। स्वयं माता गौरी का उसे पर आशीर्वाद बना जाता है। आप सभी को हम बता दे कि चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जो सावन का दूसरा सोमवार पढ़ने जा रहा है, यानी कि 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार पढ़ने जा रहा है, और इसी दिन आपको रात में करगी समय 10:30 हो रहा हो, तभी आपको कुछ ऐसे उपाय जरूर ही कर लेने हैं जो आपको आपके जन्मदिन की गरीबी को भी समाप्त कर देगा और आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को भी पूरा कर देगा। मित्रों, आपको इस दिन कुछ ऐसा कर लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप 10 के करीब यानी कि 11 तक आप इस उपाय को कर लेते हो, तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। मित्रों, पर आपको इस 10:30 पर ही करना है। मित्रों, आपको क्या करना है, आपको अपने घर से एक बाती ले लेनी है, जिससे हम हुई से बाटी बना लेती हैं। महादेव के आपके मंदिर में बाटी अवश्य रखी होगी, या फिर आप एक बात बना लीजिए और एक दिया ले लीजिए, जो कि दिया अभी तक कभी भी जलाया हुआ दिया नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एक बात ही लेनी है और दिया लेना है, और थोड़ा सा आपको घी ले लेना है, जो झूठा फूल कर भी नहीं होना चाहिए, और इन तीनों चीजों को आपको लेकर आपकी जो करके सबसे पास में शिवलिंग को, जहां पर महादेव का मंदिर हो, वहां पर शिवलिंग अवश्य ही होना चाहिए, और वहां पर आपको चले जाना है। और वहां पर जाने के बाद आपको अपना जो भी आप अपने दीपक अपने साथ ले गए हैं, और वहां पर आप बाती लेकर गए हैं और घी लेकर गए हैं, आप तीनों को लेकर एक जगह रख दीजिए और महादेव को अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह अपनी महादेव को सबसे प्रिय मानकर आप महादेव को वह सभी चीजों के बारे में अवगत कराया कि मुझे यह चीज किस लिए चाहिए और मेरी ऐसी मनोकामना क्यों है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, वह महादेव एक दिन में ही पूरी कर देंगे। मित्रों, आपको महादेव को अपनी इच्छा बता देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप दिया लेकर आई है, वह महादेव की जो शिवलिंग होती है, जहां से पानी गिरता है, ध्यान रखें कि जहां से शिवलिंग का पानी टपकता है, वहीं से थोड़े ही आगे आप उसे दिए को प्रज्वलित कर दे, यानी कि उसे दिए को आप जला दीजिए, और फिर आप अपनी मनोकामना को एक बार और बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, उसे आप महादेव को बोल दीजिए, और उसके बाद आप महादेव का शुभ मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, यानी कि आपको 108 बार महादेव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जप कर लेना है। और यह करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई देखे ना, इन सभी कार्यों को करते हुए आपको कोई भी देख नहीं रहा हो। अगर कोई देख रहा है, तो आप उसकी साइड आपको भूलकर भी नहीं देखना है। और जो सावन का दूसरा सोमवार है,
उसी दिन आपको इस उपाय को आपको जरूर ही कर लेना है और इसके बाद आप वहां से तुरंत ही अपने घर पर लौट आए और जो आपका घर का मंदिर होता है, जो आपका घर में पूजा घर होता है, वहां पर भी आप एक दिया प्रज्वलित करें, यानी कि एक दिया जला दे। वहां पर एक दिया जलाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप उसे मंदिर में बोलकर आए हैं, वही मनोकामना आप अपने घर के मंदिर में फिर से एक बार और दोहराएगी। इसके बाद आप जब सावन की सोमवार के दिन, यानी कि जो कि सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई खूब पड़ रहा है, इसी दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। और मित्रों, आपको हम बता दें कि अपने घर की मंदिर में एक दीपक जला दिया, इसके बाद आप जब सोए तो आप यह जरूर सोचें कि मैं महादेव से अपनी मनोकामना मांगी है और महादेव अवश्य ही मेरी मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो मित्रों, आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए महादेव पर आप पूरा विश्वास रखें। मित्रों, अब हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सावन के महीने में वह कौन सी चीज है जो सुहागानों को जरूर दान करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय नहीं कर पाता है तो उसे इन जो कि यह दूसरा वाला उपाय उसे जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यह महादेव का वरदान है। जो भी सावन के महीने में इन चीजों का दान करता है, यानी कि दान पुण्य करता है, उसे हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। मित्रों, पर मैंने आपको सौगंध खाकर बोला है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे, इसलिए आपको मुझ पर विश्वास जरूरी है। महायोग टीवी के ओनर पर आपको विश्वास होना बेहद जरूरी और खास है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपको कौन सी चीज है जिनका दान आपको बेहद खास और दुर्लभ माना जा रहा है, यानी कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपको किन चीजों का दान जरूर करना है, चलिए जान लेते हैं। तीसरे सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सावन सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही इस दिन कच्चे दूध का दान भी करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभ फल देगा। सावन सोमवार के दिन गरीब जरूरतमंदों को घी, चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और शुभ फल देता है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ के जल में काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक करना शुभ माना जाता है, साथ ही इस दिन काले तेल और कंबल का दान करना अच्छा होता है। कहते हैं ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो कम से कम गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दान कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंदिर में नई झाड़ू दान करना चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। कहते हैं ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि हर एक पतिव्रता नारी को कुछ ऐसी बातें हैं जो जरूर याद रखनी चाहिए। मित्रों, वीडियो को बीच में छोड़ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं तो जब वीडियो को आप पूरा नहीं देख सकती तो आप अपनी ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। उसे व्यक्ति की मनोकामना कभी पूरी नहीं होती जो व्यक्ति वीडियो को बीच में छोड़कर या फिर अधूरा ज्ञान लेकर चला जाता है। इसलिए आप सावन की इस वीडियो को, महादेव की इस वीडियो को पूरा की देखें। मित्रों, चलिए आपको हम कुछ और बातें हैं जो आपको जानना बेहद ही खास है, चलिए बाहर भी बता देते हैं। सावन में करें ये उपाय, दाम्पत्य जीवन में बहेगी प्रेम की गंगा। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन को मनोकामनाओं की पूर्ति का महीना भी कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने की एक विशेषता यह भी है कि इसका कोई भी दिन और व्रत शून्य नहीं होता। वार प्रणाली के अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा को हिमांशु की संज्ञा दी जाती है। शब्द हिमांशु का अर्थ
अर्थ बर्फ की तरह ठंडा और कर्पूर की तरह उज्ज्वल होता है। चंद्रमा की पूजा भी स्वयं परमेश्वर शिव को समर्पित होती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण शिव का मस्तक है। श्रावण मास व श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्र के स्वामी स्वयं शिव है। शास्त्रों में शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौलेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और शुक्र ग्रह का अत्यधिक महत्व है। शुक्र अगर भोग और विलासिता का ग्रह है तो चंद्रमा मन और प्रेम का ग्रह है। सुखी दाम्पत्य हेतु शारीरिक आकर्षण से बढ़कर पति पत्नी के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग और पारस्परिक प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। काल पुरुष सिद्धांत अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का मूल स्थान चौथा घर जो घर और गृहस्थी को दर्शाता है। चंद्रमा का उच्च स्थान व्यक्ति की कुंडली का दूसरा घर जो सुख और धन को दर्शाता है, तथा चंद्रमा का पक्का घर व्यक्ति की कुंडली का सातवां स्थान जो प्रेम भोग प्रणय और दाम्पत्य को दर्शाता है। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और सभी विपत्तियाँ दूर होंगी। जिस किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, अथवा पति पत्नी के बीच में पारस्परिक प्रेम की कमी है, अथवा जहाँ कहीं गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है सावन के सोमवार की शिव उपासना। सोमवार का दिन गौरी और शंकर को समर्पित होता है, अर्थात सोमवार की शिव उपासना और उपायों से गौरी यानी पत्नी और शंकर यानी पति के बीच की दूरियां भी समाप्त होती है। सोमवार के दिन शाम के समय लगभग 5 बजे घर में विराजमान पारद शिवलिंग अथवा किसी ऐसे शिवालय जाएं जहां सफेद शिवलिंग स्थापित हो। यह उपाय करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरा ध्यान गौरी और शंकर के युग्मित स्वरूप पर लगाएं। मन से ऐसा संकल्प लें कि मैं अपनी गृहस्थी और दाम्पत्य में सुख वृद्धि हेतु ये उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। सफेद कपड़े पहने और पूजा हेतु सफेद आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन की धूप करें, शिवलिंग पर सफेद कनेर के फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, साबूदाने की खीर का भोग लगाएं, गाय के दूध में देसी शक्कर, गंगाजल, मंदकिनी का इत्र और शतावरी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, तो सावन के पूरे महीने पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन की मिस अंडरस्टैंडिंग और आपसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ा सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर चढ़ाएं, इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में शारीरिक समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो सावन के महीने में हर रोज एक लोटे जल में थोड़े काले तिल मिला लें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हर समय कर्मों का बोझ बढ़ा हुआ है और आर्थिक समस्या से राहत के लिए धन संबंधित समस्याएं लगातार लगी रहती है, तो सावन के सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मेरी प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बता दूं कि जो सावन का महीना होता है, यह महादेव को जो बहुत ज्यादा प्रिय है, वह लोगों के लिए यह महीना बेहद खास और दौड़ा होता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। हम आपको वही बता देते हैं कि सावन के महीने में कौन सी आंखों पर नहीं करें चाहिए। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाती है। इसके साथ ही सावन महीने के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं, सावन में जरूर करें ये काम। ब्रह्मा मुहूर्त में ही बिस्तर को त्यागना। जब व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठेगा, तभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नानादि के बाद भोलेनाथ की पूजा सुबह में कर पाएगा। इस माह सुबह में की गई पूजा का विशेष महत्व है।
वही सुबह का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। शुद्ध हवा के साथ ही सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत होता है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित कर पूजा की जा सकती है, जो शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बुरे विचारों से दूरी बनाना। सावन के इस धार्मिक मास में जब धर्म के प्रति आस्था होती है, तो ऐसे में मन में बुरे विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए इस पूरे मास किसी को नुकसान पहुंचाने, अधार्मिक कार्य करने और स्त्री के बारे में किसी भी प्रकार के गलत विचारों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी किसी स्त्री के बारे में गलत सोचने को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। इस माह में धर्म संबंधित पुस्तकें एवं अच्छे साहित्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। गुस्से को रखे काबू में, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अशांत चित्त से कोई भी व्यक्ति पूजा जैसे धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकता और महादेव की कृपा अशांत मन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस पवित्र श्रावण मास में अपने गुस्से को रखे अपने से दूर पति पत्नी के मध्य बहे प्रेम की सरिता किसी भी एक मुद्दे पर सभी व्यक्तियों की समान विचारधारा बने, ये संभव नहीं। विचारों में मतभेद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना जरूरी है, लेकिन ये किसी भी लड़ाई का स्वरूप ले लें। ऐसी परिस्थिति को इस महीने दूर करना चाहिए। जिस घर में क्लेश रहता है, वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। शांत और प्रसन्नचित मन से की गई पूजा का संपूर्ण फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। ऐसे में सभी पति पत्नियों को चाहिए कि संबंधों में मिठास बनाए रखें, इनका नहीं करें अपमान। ख्याल रहे कि इस पवित्र माह सावन में सभी बुजुर्गों, गुरुजनों, ज्ञानीजन, माता पिता, पत्नी और भाई बहन का अपमान न करें। ऐसा नहीं करने से भोलेनाथ को समर्पित किसी भी पूजा का नहीं मिल पाएगा कोई भी शुभ फल। श्रावण मास में विशेषकर इनका भूल कर भी नहीं करें अपमान, वरना आप रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित। इन चीजों का सेवन न करें। किस वस्तु के सेवन से बचें? शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए श्रावण मास में बैंगन का किसी भी रूप सेवन करना वर्जित है। वैसे भी श्रावण मास के दौरान बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। श्रावण मास में न करें दूध का सेवन। इस माह में दूध के सेवन से वात दोष बढ़ता है। यदि आप इस परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो दूध को बहुत अच्छी तरह से ज्यादा खौलाने के बाद ही सेवन करें, लेकिन कच्चा दूध का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियों से करें परहेज श्रावण मास में, क्योंकि हम सभी भोलेनाथ का व्रत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े ना हो, ये संभव नहीं। वहीं जहां ये उगाई जाती है, इसके आसपास अन्य घास का उग आना स्वाभाविक है, जो कि हानिकारक होती है। ऐसे में हमारे खाने में इनका आना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और इस मास में हरी सब्जियों में वात को बढ़ाने वाले तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसे इस दरमियान खाना उचित नहीं है। मांसाहार से बनाए पूरी दूरी। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा, पर्व या त्योहार में किसी भी जीव की हत्या कर उसे खाना निषेध है। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, वहीं किसी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए करना कहां सनातन धर्म की बात हो गई। ये एक घोर पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए ऐसा कर पाप के भागी बनने की बजाय आप इससे उचित दूरी बनाए। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है वर्जित। शिवलिंग पौरुषत्व को दर्शाता है और ये भोलेनाथ का प्रतीक है। हल्दी एक स्त्रीत्व वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाना चाहिए। जलाधारी एक स्त्रीत्व है, जो कि माँ पार्वती का प्रतीकात्मक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग जलाधारी पर ही करना चाहिए, जो किसी संजीवनी बूटी से काम नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग अगर आप सावन महीने में कर लेते हो तो मन कर चलिए आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप जड़ों का पेड़ पौधा का उपयोग कर लेते हैं तो माँ के चली आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे एवं आप पर धनलक्ष
लक्ष्मी यानी कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा होगी और आप एक धनी व्यक्ति बन जाओगे, पर उसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा जो कि है महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा ही देखना होगा, तभी यह इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को सच्चे मन से, इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर आपको किसी और वीडियो को देखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सावन का महीना बेहद खास और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में किए गए कुछ छोटे से उपाय या कार्य बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए सावन के महीने में आपको इन पेड़ पौधा की जड़ों का उपयोग जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महादेव का इन पेड़ों में जब पास हो जाता है और जो भी इम्प्रूव पाउडर से कुछ भी छोटे से छोटा उपाय करता है तो स्वयं भगवान शिव की उसे पर विशेष कृपा हो जाती है। मित्रों, आप सभी को हम एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके और फ्री में यह जानकारी उन तक अवश्य पहुंची, क्योंकि यह आपके लिए बेहद खास और लाभदायक होती है। मित्रों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इन पेड़ पौधों की जड़ों को पहनने से चमक उठेगी, किस्मत नहीं पड़ेगी, रत्नों की जरूरत, रत्न ग्रहों को अनुकूल करने के लिए पहने जाते हैं, क्योंकि रत्न बहुत महंगे भी होते हैं तो हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता है। रत्न ग्रहों को अनुकूल करने के लिए पहने जाते हैं क्योंकि रत्न बहुत महंगे भी होते हैं तो हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहों को अनुकूल करने के लिए उन ग्रहों से संबंधित कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को उपयोग में लाया जाता है और उन ग्रहों के प्रभाव को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ों को अपने पास रख सकते हैं, इन जड़ों से रत्नों जैसा ही प्रभाव मिलता है। अब महंगे रत्न नहीं, पेड़ पौधों की जड़ें करेंगी चमत्कार। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों उपरतनों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ें पहनी जाती हैं, इससे बुरे ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है और संबंधित ग्रह अनुकूल होते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेड़ पौधे की जड़ किस ग्रह को प्रसन्न करने के काम आती हैं, साथ ही जानेंगे कि इन जड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। इस मंत्र और जड़ से सूर्य होगा मजबूत। सूर्य ग्रह के लिए बेलमूल की जड़ का उपयोग किया जा सकता है, इस जड़ में सूर्य का वास माना गया है। मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। इसे पहनने से सूर्य के बुरे प्रभाव नष्ट होकर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर आना, हार्ट और रीढ़ से संबंधित रोगों में इससे आराम मिलता है। मंत्र खरा हरी ह्रौ सह सूर्याय नमः। खिरनी की जड़ से चंद्रमा का बुरा प्रभाव होगा। खत्म चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव कम करने के लिए खिरनी की जड़ का प्रयोग किया जाता है। सोमवार के दिन इसे सफेद कपड़े में रखकर हाथ में बांधने से इसके शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभाव के फल स्वरूप व्यक्ति कफ और लिवर संबंधी बीमारियों से हमेशा घिरा रहता है, साथ ही मानसिक रूप से विचलित भी रहता है। मंत्र श्रा श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः। मंगलवार को अनंतमूल पहन लो, पाइल्स कब्ज होंगे दूर। अनंतमूल की जड़ में मंगल ग्रह का वास होता है, यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करके उससे संबंधित जो परेशानियां आ रही होती हैं, उन्हें दूर करता है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है, इससे त्वचा लिवर पाइल्स और कब्ज की समस्या दूर होती है। मंत्र क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। इस जड़ से बुध होगा काबू में, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। विधारा मूल की जड़ का उपयोग बुध के बुरे प्रभाव कम करने के लिए किया जाता है। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में ऊपर की ओर बांधा जाता है। इस जड़ को बांधने वालों को दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर और एसिडिटी में आराम मिलता है। मंत्र
ब्राबरी ब्रॉ सह बुधाए नमः हल्दी की गांठ से व्यापार नौकरी में मिलेगी सफलता। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, कार्य व्यवसाय नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही हो, तो यह सब गुरु के दुष्प्रभाव के कारण होता है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर पास रखने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसके प्रभाव से लिवर, चिकन पॉक्स, एलर्जी और पेट संबंधी रोगों में आराम मिलता है। मंत्र ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः इस जड़ से शुक्र विलासिता पूर्ण जीवन देगा। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए अरंडमूल की जड़ का उपयोग किया जाता है। विलासिता पूर्ण जीवन की चाह रखने वालों को इसकी जड़ का उपयोग करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांध कर दाहिनी भुजा पर बांधे। इसके प्रभाव से खांसी, अस्थमा, गले और फेफड़ों से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। मंत्र द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः धतूरे की जड़ दुर्घटनाओं से दूर रखेगी। यदि किसी के जीवन में लगातार दुर्घटनाएं, धन हानि और बीमारी बनी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव से गुजर रहा होता है। इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़ बांधी जाती है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसकी जड़ को शनिवार के दिन काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए। मस्तिष्क संबंधी रोगों में इस जड़ से बहुत फायदा मिलता है। मंत्र प्राप्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः सफेद रंग के कपड़े में इसको बांधने से बुरे प्रभाव नष्ट होंगे। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इस पेड़ की जड़ का उपयोग किया जाता है। शनिवार या सोमवार को सफेद या भूरे रंग के कपड़े में इसे बांधकर पास रखा जाता है। महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित रोग, त्वचा की समस्या, गैस प्रॉब्लम, दस्त, बुखार में इस जड़ का चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो भी इस जड़ का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र भ्रा भ्री भ्रौ सह राहवे नमः मानसिक परेशानियां होंगी। अब दूर अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि ग्रह केतु है। केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने और बुरे प्रभाव कम करने में अश्वगंधा चमत्कार की तरह काम करता है। इसकी जड़ को नीले रंग के कपड़े में बांध कर शनिवार को सीधे हाथ में बांध जाता है। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स, यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी रोगों में आराम मिलता है। जीवन में चल रही मानसिक परेशानियां भी इससे कम होती हैं। मंत्र स्त्रां स्त्री स्त्रौ सह केतवे नमः में तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आप सावन के महीने में अपने घर पर जरूर ही लगनी चाहिए। यह बेहद शुभ और खास माने जाते हैं। अगर इन्हें आप सावन के महीने में अपने घर लगा तो आपको महादेव बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि जो सावन का महीना होता है इसमें महादेव बहुत ही सुंदर मुद्रा में होती है और बहुत ही जल्दी अपने भक्तों को प्रसन्न को जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करवाती है। इसलिए महादेव के लिए आपको पेड़ पौधों को आपको अपने घर में जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत ही शुभ और खास माने जाते हैं। चलिए हम आपको बता देती हैं कि इन पेड़ पौधों की के बारे में आपको बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी आने वाली। 22 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 19 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, जहां शिव की भक्ति करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। इसी के साथ इस महीने में घर पर पौधे लगाना भी शुभ माना गया है, जो हरियाली लाने के साथ ही सकारात्मकता का प्रवाह करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप भी इस महीने में अपने घर में कई पौधे लगा सकते हैं। आज इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे पौधों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें सावन के महीने में घर पर जरूर लगाने चाहिए। ये पौधे मानसिक शांति के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी आगमन करते हैं। आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। तुलसी, घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सावन के महीने में घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इस पौधे को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए सावन के महीने में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। धतूरा, आप सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगा सकते है। धतूरा भगवान शिव को प्रसाद माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे में स्वर्ण,
शिव जी का वास होता है। आप मंगलवार और रविवार को धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। सावन के महीने में इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से धन और संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। पारिजात वास्तु शास्त्र के अनुसार पारिजात को बेहद शुभ माना गया है। जिस घर में पारिजात के फूल होते हैं वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। ये चमकारी फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह अपने आप पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। यह वृक्ष जिस भी घरांगन में होता है वहां हमेशा शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके फूल तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। केला घर में केले का पेड़ लगाना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ये नकारात्मकता को दूर करता है। इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। केले के पौधे की गुरुवार को पूजा की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। मान्यता है कि तुलसी और केले का पौधा कभी भी साथ में नहीं लगाना चाहिए। यदि फिर भी किसी कारणवश आपको इन दोनों पौधे को साथ में लगाना पड़ रहा है तो आप मेन गेट के बाई और तुलसी और दाई और केले का पौधा लगा सकते हैं। चंपा वास्तु शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पौधे को आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं। मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाने से परिवार में कलह क्लेश नहीं होता और चारों तरफ से लाभ मिलता है। बेलपत्र सावन महीने में शिवलिंग पर भगवान शिव को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप इस महीने में बेल पत्र का पौधा घर में लगा सकते हैं। इससे आपके घर के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। ऐसा माना जाता है जिस घर में बेल पत्र का पौधा हो वहां कभी भी पैसों की समस्या नहीं आती। माँ लक्ष्मी भी सदैव आपने कृपा बनाकर रखती हैं। कनेर कनेर की तीन तरह की प्रजातियां होती है, एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। शमी सावन के मौसम में आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। इसकी पूजा करने से आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है, साथ में सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर ही करें, जिससे कि महादेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहती है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप कहां देख के लिए सच्चे भक्त की वीडियो को लाइक करती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी है किसी को प्राप्त होती रही। मित्रों, आपको हम बता दे कि ऐसी ही ज्ञान भरतक जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती हैं और इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, जिससे कि हम आपके लिए फ्री माध्यम से इतनी जानवर तक जानकारी लाते रहे। और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिकता की जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इतनी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव।